बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर हूँ। ये पोस्ट मैंने पिछले दिनों पढ़ी तो मैंने आप लोगों के लिए महसूस कर ली कि मैं ज़रूर ये पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। माँ ने अपने बच्चे से कहा, बेटे 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया तो माँ भी साथ पढ़ने लगी। बच्चे ने कहा, माँ तुम मत पढ़ो, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे। इस पोस्ट से हमें एक तो बच्चे के अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन का पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला से बिल्कुल इसी तरह दुआ मांगनी चाहिए कि वो ज़रूर कबूल होगी। दूसरा, माँ बाप के साथ मोहब्बत और हुस्ने सलूक का दर्स मिलता है। जब हम माँ बाप की हर बात पर खामोशी से सर झुकाते हैं और उस्तादों का एहतराम करते हैं तो हम खुद ब खुद कामयाबी की राह पर गामजन हो जाते हैं और अल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करता है। समर पैक आप सबके पास मौजूद हैं, इसलिए अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपना काम शुरू करते हैं। आज हम उर्दू का काम करेंगे। इसका पहला सफ़ा जब हम लोग खोल के देखते हैं तो इस पे यह इबारत आप लोगों को एक दी गई है। इसमें से इसम सिफ्त, इसम मौसूफ, इसम ज़मीर, इसम मारफा और इसम नकरा आप लोग चुनेंगे। पहले इसकी पढ़ाई करेंगे। इसको पढ़ने के बाद अच्छी तरह सबसे पहले आप ऐसा करें, इसम सिफ चुनें, उसके साथ ही इसम मौसूफ, इसम ज़मीर, इसम मारफा और फिर इसम नकरा। इन सब को चुनने के लिए हम लोगों को इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिपीट करना ज़रूरी है। इसम सिफ क्या होता है? वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मकदार को ज़ाहिर करे सिफ कहलाता है। मसलन, नेक लड़का, नई गाड़ी, 4 मुर्गियाँ, 1 लीटर दूध। इसमें नेक, नई, 4 और 1 लीटर, ये सब इन चीज़ों की सिफात बताई गई हैं। इसम मौसूफ, जिस इसम की अच्छाई, बुराई, तादाद या मकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जैसे गर्म चाय, इसमें गर्म सिफत है और चाय, क्योंकि चाय की सिफ बयान की गई है इसलिए चाय मौसूफ है। इसम ज़मीर क्या होता है? ये वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह बोला जाए। मसलन, अमजद दूसरी जमात में पढ़ता है, अब दूसरी लाइन में अमजद लिखने की बजाय हम वो हर रोज़ स्कूल जाता है लिखेंगे। फातिमा अच्छी बच्ची है, वो हर रोज़ अपने दांत साफ करती है। हॉकी एक अच्छा खेल है, ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। इस तरह बार बार अमजद, फातिमा और हॉकी लिखने की बजाय हम लोग इसकी बजाय वो और ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसम ज़मीर के हरूफ ये हैं, वो, तू, आप, मैं, हम, उस, उसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, मुझ, ये सब वो सब अल्फाज जो किसी नाम के बजाय इस्तेमाल होते हैं उसे इसम ज़मीर कहते हैं। इस तरह से आप उस इबारत में से इसम अस्माए ज़मीर चुन सकते हैं। इसम और फ़ेल, इस इबारत में इसम नकरा और मारफा भी दिए गए हैं। इसम की इकसाम इसम नकरा और इसम मारफा हैं। वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम नकरा कहते हैं, जैसे लड़का, किताब, शहर, मैदान वगैरह। इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। इसम मारफा, वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसम मारफा कहते हैं। मसलन, अहमद, अल्लामा इकबाल, लाहौर, फातिमा जिना वगैरह। इसम मारफा को इसमें खास भी कहते हैं। आपके सामने एक तस्वीरी वजाहत के लिए एक सफ़ा दिया गया है। किसी अखबार या मैगज़ीन से अपनी पसंदीदा तस्वीर को चस्पा करें और इसकी तस्वीरी वजाहत लिखें। आप कोई भी अपनी पसंद की तस्वीर इसमें से, अपनी किसी अखबार में से या किसी भी जगह से चुनकर यहाँ चस्पा कर सकते हैं। जब आप कोई भी तस्वीरी वजाहत लिखते हैं तो उसका आगाज़ करते हुए कभी भी आप ये मत लिखें कि इस तस्वीर में ये दिखाया गया है या इस तरह, बल्कि इसको उसमें मौजूद करेक्टर्स के नाम दे को नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ तस्वीर आप लोगों के लिए मुंतहिब की हैं, ये बहुत मुझे दिलचस्प लगी जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी तहरीर पढ़ते हुए, जैसे आप लोग कोई तस्वीरी वजाहत जब लिखेंगे तो उसमें पढ़ने वाले के लिए इस कदर डिटेल और सारी, इवन अगर खाने के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी खुशबू तक पढ़ने वाला महसूस करे। जैसे आपके सामने एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें दादी कहानी सुना रही हैं और बच्ची इस कदर उस मंजर में खो चुकी है जैसे वो इसको देख रही है। इसी तरह आप कोई भी तहरीर जब लिखते हैं तो पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल इसी तरह के एहसास आप लोगों के जहन में होने चाहिए कि हर किरदार और हर मंजर उसके सामने वाजिया हो जाए। ये भी एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने है जिस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं।
अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।